दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका उमेश टावर में। आज हम बिलोरो पावर प्लस SLX है, ये 2019 मॉडल है। आदमी कोई भी धंधा करता है, बिजनेस करता है तो पैसा कमाने के लिए करता है, चार पैसा कमाई हो। तो आज हम इनके जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि वो बिलोरो खरीद कर कितना संतुष्ट हैं और गाड़ी जो बिलोरो लिए हैं उससे कितना पैसा जो है कमा रहे हैं महीने का, पूरा जो खर्चा काट के, ड्राइवर के खर्चा काट के, गाड़ी का मेंटेनेंस चार्ज जो होता है उसको निकाल करके कितना कमा लेते हैं वो ये जानेंगे। तो दोस्तों प्लीज हमारे साथ वीडियो में बने रहें, लेकिन उससे पहले ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए आए हो। तो इस गाड़ी मालिक हैं इनसे बात करते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि यादव है। मैं यहीं अनूपपुर का हूँ। ये मेरी गाड़ी है, बुलेरो। ये मेरे ऑफिस में लगा हुआ है जी। ऑफिस में ये गाड़ी को मंथली 19,500 रुपए मिलता है। 19,000 रुपए मंथली मिलता है जी। अच्छा, 19,500 में गाड़ी का जो ड्राइवर रखा हूँ, मेरा ड्राइवर अजय, बहुत अच्छे ड्राइवर है, गाड़ी का बहुत ख्याल रखते हैं। तो उसमें से ड्राइवर को मैं 19,500 में 6,000 रुपए उनको दे देता हूँ। हाँ, मंथली दे देते हैं उनको। आपके पास बजट 13,500 रुपए? 13,500 रुपए। हाँ, 13,500 में 3,500 रुपए मैं मंथली में वो तो गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए रख देता हूँ। मेंटेनेंस के लिए रख देते? हाँ, हर महीने, हर मंथली, मतलब हर महीने का। तो निकाल के रख देते हैं जब हाँ, कुछ भी गाड़ी सर्विसिंग लगाना होता है तो आप वैसे पैसे से करा लेते हैं। पैसे से करा लेता हूँ। फिर मेरे पास वही 10,000 रुपए महीने का बच रहा है। महीने का 10,000 रुपए जी। ठीक है, मेरी गाड़ी जो है बहुत अच्छी गाड़ी है, बुलेरो मेरे को बहुत पसंद है। और मैं गाड़ी को पैसा कमाने के लिए ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ देश है थोड़ी रोजगारी भी है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे भारतवासियों को थोड़ा रोजगार मिले। रोजगार देश रहता है आपको। हाँ, किसी दूसरे को रोजगार देने की कि दो पैसा वो लोग भी कमाए पाए, मैं भी, तो मेरा ये उद्देश्य रहता है। अच्छा, और हमारी बहुत आपके पास शुभकामनाएं हैं कि आप जो है अपनी गाड़ी को ऐसे ही संख्या जो है बढ़ाते जाएं और बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। अब हम गाड़ी के स्पेशलिस्ट ड्राइवर अजय जी से बात करेंगे और बिलोरो के जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में जानेंगे। मेरा नाम अजय है, मैं शहडोल से हूँ। तो मैं ये गाड़ी आज 4 साल से चला रहा हूँ। मेरे मालिक रवि यादव हैं, वो मेरे को आज 4 साल से रखे हुए हैं। मेरे मालिक द्वारा मैं अपने मालिक को इस गाड़ी से कमा के पैसा देता हूँ। ठीक, और ये लगी है शिक्षा विभाग में, है ना। तो ये गाड़ी को मैं इतना मतलब कर देता हूँ साफ सफाई, चकाचक रखता हूँ गाड़ी, दिख भी रहा है, कोई गंदगी नहीं है। मेरा अधिकारी भी बहुत खुश है, मेरा मालिक भी बहुत खुश है। मैं गाड़ी नॉर्मल चलाता हूँ, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीम। मेरा स्पीड है 50 से 60, मैं उतने की स्पीड में मेरे को एवरेज भी मिलता है और प्लस एवरेज के साथ मेरा सुरक्षा भी रहता है। जो आगे पर्सन बैठा हुआ है, वो पीछे बैठा हुआ, वो भी सेफ्टी है। और अक्सर हमेशा कभी भी ड्राइवर को गाड़ी से बैठने से पहले सीट बेल्ट का जरूर ध्यान रखें। गाड़ी में बैठो ड्राइवर स्टेयरिंग में तो सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करो। कभी दुर्घटना या ना हो, मैं तो चाहता हूँ, भगवान से मनाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से ग्रस्त ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि सभी ड्राइवरों से मेरा अनुरोध है कि कभी भी कोई बैठा या आगे बैठा है, बगल में बैठा, स्टेयरिंग सीट में बैठा, उसको मैं ज़रूर ये समझा देता हूँ कि सीट बेल्ट लगा के आप बैठो, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मतलब हम कैसा चला रहे हैं गाड़ी, अगला व्यक्ति कैसा चला रहा है, ये हमको नहीं मालूम। अब हम सही रोड में जा रहे हैं, वो कैसे आ रहा है, उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, मान लो फेल दिया गाड़ी का तो नुकसान होगा किया, साथ में जो उसके साथ व्यक्ति है वो भी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। हाँ, अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आज नहीं कल समझेंगे ड्राइवर, मगर ड्राइवरों को सोच नहीं रहता कि मेरे पीछे कोई और है। अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, आज मेरे को 4 साल से आज ये गाड़ी चला रहा हूँ,
मेरे को है 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कि छोटे मोटे अधिकारियों को चलाया, मैं शुरू से बड़े बड़े अधिकारियों को गाड़ी चलाया। मेरे को आज तक अधिकारी मतलब ये नहीं टोका कि भाई तुम कैसे चला रहे हो गाड़ी, तुम्हारा ये मतलब मन कहाँ है, क्या कैसे गाड़ी चल रही, क्या नहीं चला रहे हो, कैसे तेज चला रहे हो, धीम चला रहे हो, कभी मतलब ये चीज़ नहीं बोले। तो मैं ये कहता हूँ सभी ड्राइवरों भाई से कि नशा करके गाड़ी बिल्कुल मत चलाएं, नशा में कुछ भी हो सकता है, अगला पर्सन को भी हो सकता है, हमारे गाड़ी भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जो भी ड्राइवर भाई हैं, जैसे हमारे छोटू भाई हैं, छोटू भाई हमारे नशा पत्ती नहीं करते, रवि हमारे हैं तो ये भी कुछ नशा पत्ती नहीं करते, हम चाहते हैं कि सब भाई हम सुरक्षित रहें, कभी किसी से मतलब दुर्घटना ना हो, ना किसी के सुनने को आए कि आज हमारा दोस्त रहा इस दुनिया में नहीं रहा, कि वो दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। हम ये चाहते हैं कि सभी कोई मतलब अपना सेफ्टी बना के रखें और सुरक्षित जगह में अपने पहुंच जाएं। और हम नॉर्मल स्पीड 50 से 60 चलाएं, उससे ज़्यादा ओवर ना भागें। मैं ये कहता हूँ सभी लोग ध्यान रखें, पूर्वक रखें कि गाड़ी मध्यम स्पीड से चलाएं, ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, गाड़ी को भी सुरक्षा अपनी भी सुरक्षा। अब गाड़ी तुम जितना कहते हैं ना, जितना कान ऐठोगे उतना तेज भागेगा, तो कान ऐठने के लिए नहीं है, वो सेफ्टी के लिए है कि हम इस जगह से उस जगह पहुंच जाएं। सही है, गाड़ी के इस्तेमाल, हाँ गाड़ी के इस्तेमाल ऐसा करें, क्योंकि गाड़ी ऐसी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, किसी का सागा नहीं है भाई, कब कितने टाइम कहाँ चल दे, कब कितने टाइम कहाँ घुस जाए, कोई भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सभी ड्राइवरों से मेरा अनुरोध है कि गाड़ी सोच समझ के चलाएं और शुद्ध मूड में चलाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत बढ़िया विस्तार से जो नए ड्राइवर गाड़ी बिलोरो सीख रहे हैं, फोर व्हीलर जो सीख रहे हैं उनके उनको बहुत बढ़िया संदेश दिया, और रवि भाई ने बहुत बढ़िया रोजगार के बारे में सोचा और उन्होंने गाड़ी खरीद कर यहाँ ऑफिस में लगाया है ऑफिशियल वर्क के लिए, और वो उससे बहुत संतुष्ट हैं। 10,000 रुपये वो हर चार्ज जो है काट के गाड़ी के मेंटेनेंस चार्ज अपने जो ड्राइवर का जो ही सैलरी है उसको निकाल करके 10,000 रुपये महीने का बचा लेते हैं। इसके बारे में हमने जाना और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उनके बारे में अजय भाई ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। आई होप यू गाइस वेरी एंजॉइंग इन दिस वीडियो। यह वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना, और यह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।